ओम शांति। हम तीन बार ओम शांति कहती हूँ, सभी बोलना। पहले ओम शांति, मेरे भाई बहने ओम शांति। फिर से बोलो सभी, कोई रह न जावे, ओम शांति। थैंक यू। तीन बारी क्यों कहा? मुझे अच्छा लगता है, सदा ये स्मृति रहती है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करने का। एक ओम शांति, मैं कौन, अंगुली अंदर जाती है। फिर दूसरी अंगुली ऊपर जाती है, ऊपर वाला कौन। तो धीरे धीरे आप भी अंदर ही अंदर, पहले मैं कौन, फिर मेरा कौन, अच्छी तरह से। अहंकार को मार, अभिमान को छोड़। मनुष्य के अंदर ईगो होता है, अहंकार। बोल चाल ईगो वाला, उसको पता नहीं है मैं किसका हूं, कौन है वो। तो हमारी सरोज बहन इतनी महिमा कर रही थी, लेकिन वो जानती है ऐसे बनाने वाला कौन। तो यहाँ हर घंटे गीत बजता है, मनो शांत तनो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। मनो शांत, पासी बोले मैं लेक्चर नहीं करती, भाषण करने नहीं जानती हूँ। अपने बहन भाई जो यहाँ मेहमान बन के आए हैं, लगते हो मेहमान हो या भगवान के घर बैठे हो। मेहमान हो, भगवान के घर बैठे हो ना। ये कोई कहता है ये हमारा घर है, नो नो, हम सब सेवादारी है। तो तीन बारी ओम शांति में सारा अंदर ही अंदर शांति, प्रेम शक्ति जो खो बैठे हैं, वो अंदर से पैदा होती है। क्यों? शांत रहने की आज की दुनिया में शक्ति चाहिए, और शांति से शक्ति मिलती है। जब शांति और शक्ति है, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम हमारे दिल में, प्रेम होता है दिल में। कहाँ से प्रेम मिलता है? भगवान से। मेरा वो है ना, मैं परमात्मा बाप की संतान हूँ, वो मेरा माता है, पिता है, शिक्षक है, सखा है, सतगुरु है। भले भक्ति में पहले गाते हैं, माँ तो मैं माता च पिता तो मैं वह, तो मैं बंधु च सखा तो मैं वह, अभी प्रैक्टिकली अनुभव में तुम मेरा माता है, तुम मेरा पिता है, ये शिक्षक है। यहाँ देखो ना, सारा दिन आपको शिक्षा ही मिलेंगी। कौन सी शिक्षा?
भगवान की तरफ से शिक्षा मिलेगी। गुण अवगुण में क्या अंतर है उस शिक्षा मिलेगी। गुणों को धारण करना है, अवगुण को छोड़ना है, प्रैक्टिकल करना है मेरे को। मनुष्य औरों के अवगुण को देखता है, अपने अवगुण को नहीं देखता है। ये भूल है बड़ी भारी। परमात्मा बाप कहते हैं, मैं ये शिक्षा कौन दिया है? परमात्मा बाप ने। बाप के रूप में अपना बनाया है, शिक्षक के रूप में कहता है जो मैं सिखाता हूं उस पर चलना है। समय कौन सा है? पूरा कलयुग है, हिंसा और स्वार्थ। भाई ऐसे है ना, स्वार्थ है, हिंसा है। भले अपने मित्र संबंधी है, कुटुंब परिवार है, सब स्वार्थ के साथ ही है। सुखी को सहन नहीं करते, दुखी को मदद नहीं करते। ऐसे समय में तो मैं जो तीसरा ओम शांति कहती हूं, मुझे क्या करने का है? जैसे अंधकार मिट गया, मैं किसकी हूं? ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जहां रोशनी है वह अंधकार रह नहीं सकता, तो ज्ञान है प्रकाश सूर्य की तरह से, साधारण प्रकाश नहीं। सूर्य में कितनी शक्ति है, रोशनी भी देता है, पर तो इतनी से पावर है। सूर्य से सागर का पानी खींच के बादल बन के वर्षा होती है। कहां सूर्य, कहां सागर? सूर्य ऊपर, सागर नीचे। पर मैंने देखा है कहां कहां जहां सागर है, खास समय लंदन में सागर पर अच्छा बाबा का घर है, तो सागर के किनारे पर खड़े रहो ना, तो दूर दूर, बहुत दूर दिखाई पड़ता है, दोनों इकट्ठे है, आसमान और सागर। क्यों? कनेक्शन है, उसे बादल बनते हैं, वर्षा होती है। परमात्मा ज्ञान सूर्य, एक तरफ ज्ञान सूर्य है। अभी मैं जो शब्द बोल रही हूं ना, अनुभव करना, पर एक तो परमात्मा एक, कृष्ण राम हनुमान गणेश, वो भी परमात्मा की रचना है, देव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देव है, परमात्मा एक निराकार है, ज्योति बिंदु है। इस दुनिया से पार ब्रह्म तत्व में रहने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा है, जब धर्म गिलानी का टाइम है, ये चारों तरफ धर्म गिलानी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सभी अपने धर्म की भी गिलानी कर रहे हैं। धर्म क्या कहता है? सिर्फ आवाज में, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या क्रिश्चियन हूं या
परंतु धर्म क्या कहता है। तो अभी आपको ये बताएंगे, धर्म हमारा है शांत, परमात्मा कहते हैं धरत पर ये धर्म छोड़िए, कैसी परीक्षा आए, शांति मेरा धर्म है। दूसरा, कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, सच्चाई हो, जब सच्चाई कर्म में है, शांति मन वाणी में है, तो अब समझ जाओ यहाँ जो भी मेहमान आते हैं, एक दिन के भी लिए कल परसों भी कोई मेहमान आए थे, फिर सुबह को आए रात को गए, मैंने कहा क्या अनुभव किया। अभी आपने भी कभी कल आए परसों आए हैं, दीदी कभी आए कल आए हैं, तो 24 घंटे में क्या अनुभव किया है, कहाँ बैठे हो, कितना डिफरेंट है यहाँ अबूरों से भी यहाँ आने में। अबूरों से बाहर जाओ, दिल्ली में जाओ, गुलबर्गा जाओ, कहाँ वहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वायुमंडल। दो बातें का नाम निशान नहीं, एक मैं का अभिमान, दूसरा मेरा का अटैचमेंट, उनसे मुक्त है जा। आप मुक्त होना है, मैं मेरा दोनों दुश्मन है, जो जिनको मैं मेरा से फ्री होने हाथ उठाओ। समझ गए मेरी बात को, थोड़े उठा रहे हैं, मैंने समझा नहीं। पहली लाइन में आप तो उठाओ ना, मैं अभिमान झूठा है, अभिमान झूठा है, आपको निरहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, ना कोई विकार न हो, कोई विकार न हो, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अंश भी नहीं। परंतु आपको पता है रावण को 10 चीज दिखाते हैं, ऐसे है ना, जब रावण जलाते हैं तो 10 चीज दिखाते हैं, तो मैं कहती हूँ 5 विकार और भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार उनके गुप्त साथी है। अगर आप समझेंगे इस विकारों को छोड़ूं, बरोबर ये विकार खराब है, तो 5 विकार और है। सबसे बड़ा विकार है आलस, अच्छे काम के लिए सारा दिन और सब करेंगे, पर परमात्मा के याद करने के लिए, ये बात तो करने के लिए आलस, अलबेलाई। और आज के जमाने में कोई विरले होंगे ईशा से फ्री होंगे, ईशा सुख इसको मेरे को है, बच्चों में भी ईशा, बुढ़ों में भी ईशा, ईशा के कारण आवेश भी है भाई, जो है भगवान के दया से या अच्छे कर्मों से अच्छा है, संतुष्ट नहीं होंगे तो आलस अलबेलाई ईशा आवेश। दूसरा, अच्छा बनने के लिए बहाना कभी नहीं बनाना, अगर पवित्र निर्विकारी बनना है, सच्चाई पर चलना है, शांति का देव बनना है, सच्चाई और प्रेम से अपने दृष्टिवृत्ति को ऐसा बनाओ, अपने हाथों में है।
आजकल जब साइंस सब ने देखा है 50-60 साल में, जब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान फ्री हुआ 60 साल हो गए, तब से और ही साइंस के कारण या अमेरिका इंग्लैंड को फॉलो करके भारत क्या हो गया है। आगे सिंपल था, सभी की बुद्धि उनमें फंस गई है। अभी साइलेंट पे जाने का, जैसे साइंस ने इतना तर्क किया है जो स्विच ऑन करो तो बिजली जग गई, ये माइक आ गया, ये हो गया, सब हो गया, चलो ये अपना काम करते हैं, पर हम साइलेंस में रहें। साइलेंस माना, साइलेंस माना कर्मेंद्रियों को शांत, मन शांत। सच्ची मैं अभी जो बोलती जाती हूँ थोड़ा बोलेंगी, पर आप साइलेंस में बैठो 7:30 तक, जो सुनना प्रैक्टिकल में देखो भाई, गीत बजाना गुण और गुण में क्या अंतर है। गुण में हीरे जैसा बनते हैं और अवगुण में क्या है, पत्थर जैसा। तो ये कॉन्ट्रास्ट देख हमारी जीवन यात्रा ऐसे सफल ही हो। जो तो मैं संसार में परमात्मा बाप से सुख शांति प्रेम जैसे वर्षे में ले लूँ, बाप के बच्चे हैं, वसा मिल रहा है, कहाँ ढूंढते नहीं शांति, बया नहीं ढूंढते। भगवान कहते शांति तुम अंतर आत्मा, तो शांति अंदर से। जब हम अंदर शांत हो जाते हो तो कनेक्शन ऊपर से जुटने से शक्ति आती है। जब शांति आई ऊपर से शक्ति मिली तो संसार में रहते सच्चाई और प्रेम जैसे लाइफ जीवन बंध से मुक्त हो करके जीवन फ्री है, कमजोरियों से फ्री है, वो शक्ति बाबा दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। हम बाबा परमात्मा को बाबा मेरा बाप है ना, वो कैसे ब्रह्मातन में प्रवेश हो करके हम बच्चों को आज 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली सारे भारत में मना रहे हैं। तो क्या दिया है बाप ने, कहता है सुख शांति प्रेम की जो शक्ति मिली है उस शक्ति में खुद रह करके और कोई परमात्मा बाप की पहचान दे करके अनुभव से दुख शांति को झूठ पाप को खत्म करना है। क्यों कुछ कर्म बड़े बलवान है, जीवन में कर्म द्वारा दुख देना दुख लेना, क्या लाइफ है,
बाप कहते हैं ऐसे पुण्य कर्म करो, समझ के समय को सफला करो, तो उस कर्मों का श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इतना बल मिलता है जो निष्काम सेवा फलेच्छा नहीं पर प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल माना ही है, कर्म करो निमित्त भाव से, सच्चाई से, निस्वार्थ भाव से, सच्ची भावना से, अटल विश्वास से, बहुत अच्छा है, मैं मेरा से फ्री है, प्रातः मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, साइलेंस में
ओम शांति। समझ गए ओम शांति ना? हर सेकंड, हर संकल्प में क्या सुनना? पहले को सुनना गुना गुना कितना अंतर है। मैं देखूं अपने आप में, मेरे में कोई अवगुण न हो, कितनी भाग्यशाली आत्मा हो जाएंगी। भाग्यशाली तो सब भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो अपने पर ध्यान रख करके परमात्मा बाप की शक्ति से अवगुणों को छोड़ गुणों की मूर्ति बन गए। जैसे मंदिर में मूर्ति का दर्शन करते हैं, कितनी मूर्ति सुंदर लगती है। ऐसे ही वो तो यादगार में देवताओं की मूर्ति मंदिर में बना के रखते हैं। हम ऐसा स्वरूप क्यों न बनो? चेतन में हूँ, गुण अवगुण के अंतर को जान। वो जीवन कोई काम के वैल्यू नहीं है, ये हीरे जैसी जीवन। कहाँ टामा लोहा चांदी, कहाँ सोना। सोना भी कहेंगे सच्चा, तो भगवान कहते हैं सच्चा बनो, सच्चा सोना बनो। जरा भी एक परसेंट भी अंदर झूठ मिक्स होगा, कहेंगे पता नहीं पता नहीं, वह है तो अच्छा पता नहीं। इसलिए ज्ञान योग से अपने आप को सच्चा सोना बना दो। लगन के अग्नि से, लगन के अंदर लगन ईश्वर से मिले हैं, ईश्वर मुझे सच्चा बना रहा है, ईश्वर सत्य है। कोई साइंस वाला था, एक बड़े साइंस में बड़ा अच्छा अभ्यासी, जब हमारे से बात करता था, अपनी साइंस तो दिमाग से निकलती नहीं थी, सुनता अच्छी तरह से था, प्यार से, पर दिल में महसूस करते भी, पर परमात्मा सत्य है, परमात्मा को याद करें ना, नहीं। बहुत उसको कोशिश किया, पर मैं कह तू मेरा भाई हो ना, तो कहता हाँ तू मुझे भाई कहती हो, मुझे शक्ति आ जाती है। तो फिर एक दिन कहा मैंने, भाई कहे मैं बाप को नहीं मानता हूँ, थोड़े मेरे दिन मैंने से तुम भाई हो करके, बाप तुम मेरा बाप का बच्चा हो। उस घड़ी से बदल गया, क्योंकि साइंस ने आजकल बुद्धि को नातक बना दिया है। खराब नहीं भले काम करो, पर अंदर दिल में साइलेंस पावर से सत्य बाप, तभी खुद ही कहने लगा अच्छा लिखा बैठ के, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। ये अंदर से हमारा अनुभव हो, भगवान सत्य कैसे है, उसकी नॉलेज सत्य है, सत्यता की शक्ति, सत्या
बनने की हमको नाले दे रहे, शक्ति दे। तो एक ज्ञान है परमात्मा कौन, योग है कनेक्शन, ज्ञान से योग, योग से धारणा, फिर सेवा। हमारे यूनिवर्सिटी की चार सब्जेक्ट है और आप देख रहे हो हर पर हर जाति धर्म वाला पढ़ता है, निर्धन हो या धनवान हो सब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, उम्र में छोटा है या बड़ा है हर एक पढ़ सकता है। पढ़ना क्या है, चार सब्जेक्ट है, चार ही सब्जेक्ट एक ही क्लास में पढ़ाने वाला एक ही है, हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं। कई बार हमको 75 ईयर्स हो गया, इस दीदी को 50 साल हो गया, किसको 20 साल हो गया, किसको 30 साल हो गया, इकट्ठे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क लेना है, ज्ञान समझे, योग कनेक्शन रिलेशन एक परमात्मा से, धारणा अटेंशन जो भगवान, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ, वो मैं भी उसका बच्चा हूँ, मैं भी ऐसा बनूँ। सच्चाई और प्रेम, शक्ति इतनी हो जो हमको अभी हमेश बाबा समझाते, बच्चे संसार में परीक्षाएं कितनी आती है, अंदर से इतनी ताकत भगवान के लिए ले लो, जो जब परीक्षाएं आए तो घबराना नहीं। बहुत काल से लेकर के निर्भय है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, निर्वैर। अभी हम ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं, अभी ताकत कौन सी चला रही है, सब मेरे बहन भाई है। आपको मेरे से क्या फीलिंग आएंगी, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, पर परमात्मा का बच्चा हूँ। आप सबको देख के समझती हूँ आप ही परमात्मा के प्यारे बच्चे हो। सच्चे बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, यही बाबा सिखलाते हैं। पवित्र बनो, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में आनिष्टि होए। आनिष्टि शब्द की वैल्यू बहुत है। आप खुद से आनिष्ट रहो, भगवान से अनिष्ट रहो, कैसी लाइफ ऊंची बन जाती है। सबके आगे ये परिवर्तन जो हमारी लाइफ में आया, पहले खुद से अनिष्ट, अपने की साथ ठगी न करूं, पुरुषार्थ करूं, थोड़ा दिखाऊं बहुत, ना ना, सच्चा गुप्त पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, जो गीता में 18 अध्याय में भगवान ने कहा है। गीता हमने बहुत पढ़ी, पर अंदर लगन थी, जो भगवान कहता है ग्रंथ सा भी बहुत पढ़ा, पर जो ग्रंथ सा में लिखा हुआ है हमारे जीवन में हो, उसमें भी खास मनुष्य में आदत है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, समझ रहे हो ये भाषा, पर चिंतन ये ऐसा ये वैसा है, पर दर्शन, पर दोष, औरों का दोष निकालना, ये बहुत खतरनाक है। झूठी मनुष्य में क्या आदत है, झूठ कारण कुछ भी कारण से, डर के मारे या कुछ झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, निंदा करना, ये चार बातें अगर मैंने अपने आप को फ्री कर दिया तो मुझे लगेगा बाबा मुझे देव समान बना दिया। बनना मुझे पड़ेगा, मेहनत मुझे पर्सनल करनी पड़ेगी,
पहले है पर चिंतन प्रदर्शन से अपन को फ्री करना, किसी का दोष नहीं देखना, सब में अच्छा ही है, हाथ ऐसे हो ऐसे नहीं हो। तीसरा दूसरा में तीन चाहिए नहीं कहना, एक होती इच्छाएं, मुझे ये चाहिए चाहिए ये चाहिए, उसके में लोभ भी होगा ठगी भी होगी, चाहिए तो बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा तो चाहिए, संसार में रहते हैं। भगवान के मंदिर में भी जाएंगे मांगेंगे, प्रार्थना पूजा भी करेंगे कुछ मांगने के लिए, वो भी चाहिए नहीं करा। अच्छे कर्म करो, भूखे नहीं बनेंगे, सिर्फ लोभ ना हो खाने के लिए, या खाना आपको मिलेगा ना, मिलता है ना, आराम के लिए भी जगह मिलती है ना, मैं उसको क्या चाहिए। जैसे शरीर के लिए मनुष्य को खाना ठीक चाहिए, पानी ठीक चाहिए, आजकल गंगा का पानी भी नहीं पी सकता, बाटल का पानी पीना पड़ता है, जमाना ऐसा है गंगा का पानी भी नहीं पी सकते हैं। आगे जमाने में 30-40 साल पहले हम कुएं का पानी पीते, हमारे सब के यहाँ भी कुआ ही कुएं का पानी पीते थे, सदैं तंदुरुस्त रहते थे। आजकल जितनी बीमारियाँ उतनी दवाइयाँ उतने डॉक्टर, क्यों है? खाना जो शुद्ध होवे ना, नहीं आज जापानीज खाना चाहिए, कल इंडियन खाना चाहिए, फलाना ये खाना चाहिए, ये लोभ ये बरस, इनसे छुराओ अपने आप को। तीसरा चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, सारा दिन यही धंधा, पर मेरे को क्या करना है? तीनों चाहिए से मुक्त करो। चार जो बताया कि भूल से भी कभी हमारी प्रकाश बहन दादी थी, बड़े फलक से कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो मैं भी कहती दादी कभी कुछ भी हो जाए डर के मारे पता नहीं कुछ को क्यों कोई क्या कहेंगे, अरे जितना सच्चा बनो उतना सुखी है, सिंधी में कहते सत्य भी तो नच, सच्चा सुखी है। चोरी आज छोटी भी किया नाम बदनाम होगा, कहेंगे यही चोर होगा, ये इसने लिया होगा, तो ये हाथ है, इसी हाथ से आप चोरी करो कोई देखे नहीं, इसी हाथ से दान करो खुशी होगी। ये हाथ से मुझे क्या करना, हाथ किसी, देखो मैं इसलिए राइट हाथ उठाती हूँ, ये थोड़ी भी कोई गलत काम इस हाथ से किया आदत पड़ जाती है, वो बच्चों में पड़ जाती है, पर इसी हाथ से कुछ दान किया खुशी हो गई, और इसी हाथ से फिर किसको दुआ दो, दुआ कैसे देंगे, जब ऐसा पुण्य कर्म किया होगा परमात्मा शक्ति होंगी तो आपको कहेंगे दादी और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ दुआ चाहिए, दुआ में बड़ा बल है। परमात्मा की दुआ अलग है, जब उसके आज्ञाकारी वफादार बनते हैं सच्चे बच बनते हैं, अच्छी दुआ इतनी देता है जो जो काम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप ज्ञान सरोवर देखा, नीचे शांतिवन देखेंगे, पांडवों देखेंगे, क्या ही प्रभु की रचना, सबकी दिल से सेवाएं की हुई, यहाँ कोई दान भाई कहीं भी मंदिर में जाएंगे
चर्च में जाएंगे, कोई धर्मशाला में जाएंगे काम, तो डोनेशन का लिखा हुआ होता है भाई इतना इतना डोनेशन सबने, यहाँ कोई डोनेशन का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं पूछते हैं नहीं, भगवान के बच्चे है, अपना घर है। तो जो दूसरा गीता, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, इसे भगवान कहते लगाओ मेरे से मन। मन अगर तन में है तो क्या करेगा, सदा बीमार थकावा चिल्लाता रहेगा, पर मन मनाभव है। इस गीता के दो शब्द, मन मनाभव है, नक तन मनाभव, नक धन मनाभव, धन मनाभव है। तन मन धन संबंध, मन चारों में, या तन में होगा या धन में होगा या संबंध में होगा, तो पूछो मेरा मन कहाँ। भगवान कहते से मन, जो मेरे मन का भी सब चेक किया ना, मुझे पता नहीं था ये क्यों कर रहे हैं इतने वो डाल के तारे डाल के, यहाँ देख रहे थे। मैंने मुझे कहा टेस्ट को तो ऐतराज है मुझे, अगर सेवा है तो भले करो। इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहे, मैं इंग्लिश जानती नहीं हूँ। फिर वंडर तो ये हुआ, मुझे कहा 100 से तो 7-7 कम करती जाओ, 100 से अब वंडर खाओ, एक्यूरेट निकल आया। फिर कहा सो जाओ, मैं आंख बंद कर दी, कहा जागो, अच्छा जागते। तो ये मैं बता दी, मन अगर हमारे आर्डर में है ना, तो हम राजा है, गुलाम नहीं है। गोप गोपियों के अतीन्द्र सुख का गायन है भाई, अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, उनको मुरली पर बहुत प्यार, भगवान के साथ बहुत प्यार, मन कर्म इंद्रियां शांत, तो अतीन्द्र सुख यानी इंद्रियों द्वारा सुख नहीं चाहिए। कर्म इंद्रियों द्वारा अच्छे कर्म करो, उसका सुख शांति प्रेम से संबंध में जहाँ भी है उसके है, उसके है, हम सब उसके हैं। जो हमारा सारा प्लेटिनम जुबली का जहाँ था, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन गॉड, गॉड वन है ना, वर्ल्ड भी एक ही है ना, उसमें एकता लानी है। हम सब एक के है, हम सब एक है। इतनी ताकत अगर हमारे अंदर आ गई तो कहेंगे हम तो भाग्यशाली, तो क्या पद्मा पद्म भाग्यशाली है, जो भगवान जो कहा वो सिर माथे पर है, वही माना। इसलिए भले पूछते इतनी जिम्मेवारी क्या है, कुछ नहीं, बोझ है नहीं। अब थोड़ा भी काम करेंगे थक जाएंगे भाई, पर उसमें चिंतन, फालतू चिंतन है ना, इसलिए बोझ है। फालतू चिंतन है ही नहीं ना, स्वचिंतन ईश्वर चिंतन, स्वचिंतन ईश्वर चिंतन, और सबके लिए शुभ चिंतन। अभी ऐसे अभी फिर 5-7 मिनट फिर ऐसा योग में बैठो, साइलेंस में बैठो, जो सुनना प्लीज़ भूल मत जाना, जो पुरानी बातें पराई बातें सदा के लिए भूल जाना, पर अभी जो ये 1 घंटे की बातें कभी भूलना मत, क्योंकि अच्छी बातें भूल जाती है, फालतू खटपटी चटपटी
खटपटी चटपटी अटपटी बातें याद करते हैं। तो ये अटपटी चटपटी खटपटी बातों को कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छी बात भगवान जो सुनाता है, बड़ी मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, वही में दिल में हो, मन में हो, बुद्धि में हो, चित्त में हो, चिंतन में हो, तो मेरे जैसा राजा कोई नहीं। तो सब अभी राज योगी बैठे हो, कर्म योगी, भले कर्म भले करो पर योगी रहना। सहज है, कोई हठ योग नहीं है, कोई प्राणायाम भी नहीं है, और चलते फिरते खाते पीते मन उसमें लगा पड़ा हो। मध्याजीव में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उसका ध्यान रखना है, गुणवान बनना है। भाई माइक उठा दो, अभी साइलेंस में ऐसे रहो, साइलेंस माना जैसे मैंने बोला आपने सुना, मैं बोलना जो बोलती हूँ वो करना मेरा फर्ज है, जो करती हूँ वही बोलती हूँ। भगवान ने सिखाया था कथनी करनी एक हो, ऐसे नहीं करनी में न हो और कथनी होती रहे, उसमें मज़ा नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो सुना अभी करनी में लाने, प्रैक्टिकल लाने के लिए एक ऐसा मिसाल बनो जो समझो, भले अभी बड़े लेट आए हो, पर बाबा कहते हैं हमेशा बच्चे जिसके समझ में आ गया ना, तो आज भी अपना उद्धार कर सकता है। चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखे फुल पास हो सकता है। ओके, अभी वो फिर से साइलेंस में, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है।